हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या कोर्स करवाती है, क्या क्या अप्रूवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं विकीपीडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको जैसे डिस्प्ले पे देख रहा होगा यूनिवर्सिटी का नेम अरुणोदय यूनिवर्सिटी है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड है ईटानगर में, एपी, अरुणाचल प्रदेश में। फुल एड्रेस इसका है लेकी विलेज नहार लंगुन डिस्ट्रिक्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो ये था, ये आप देख सकते हो। हम मेन वेबसाइट पर चलते हैं। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की। अरुणोदय यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर 2F UGC एक्ट 1956। तो ऊपर आपको टोल फ्री नंबर और कॉन्टेक्ट अस, फिर ऑफिशियल मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ पे लॉगिन, अगर कोई भी स्टूडेंट लॉगिन करना चाहता है तो यहाँ पे आकर लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लॉगिन का साइन है। अभी यहाँ पे है अबाउट अस, पहले हम अबाउट अस पढ़ते हैं। यहाँ पे अबाउट अस आ गया। 2014 में एस्टेब्लिश है यूनिवर्सिटी अंडर 2F UGC एक्ट। तो यही यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो। और स्कॉलरशिप डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है स्कॉलरशिप के लिए करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डिटेल के लिए है, बैंक डिटेल अगर आपको चाहिए, पेमेंट गेटवे, दिस इज नॉट कस्टमाइजिंग, और जॉब के लिए ये सब है। फिर आप आपको होम पे दिखाएंगे इसका, ठीक है, इस तरीके से है यूनिवर्सिटी का होम पेज, कुछ इस तरीके से है होम पेज इसका। जब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है, कोई जीता है तो उसके नोटिफिकेशन, फिर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल UGC की है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की है, और हायर टेक्निकल एजुकेशन की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIU की है। बाकी ये कोर्सेज की डिटेल दी गई है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, न्यूज़ गैलरी है, कोर्सेज डिटेल है, इवेंट गैलरी, और नीचे होम एडमिशन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल होगी स्टूडेंट को ना। फिर आपको एकेडमिक जो भी कोर्सेज है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG, PG, बैच, इंटीग्रेटेड PhD, ये सब है। क्विक लिंक जो भी हॉस्टल है, हॉलीडे, एंटी रैगिंग सेक्टर, जो भी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी है वो है। फिर लोकेशन है, टोल फ्री नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑफिशियल मेल आईडी है, वेरिफिकेशन मेल है, सब यहाँ पे, और मैप दिया गया। तो ये है, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज है लेफ्ट साइड में, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं होम पे, आपको अबाउट इंस्पिरेशन ये आप पढ़ सकते हो, और इसमें चांसलर कौन है, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, उसके साथ साथ अप्रूवल ये आप दे सकते हो, UGC की है, स्टेट NOC एक्ट, BCA की है, AICT की है, AIU की है, तो ये अप्रूवल है, फैसिलिटी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चांसलर हैं, मिसिज अशिमा जी हैं जो चांसलर हैं, ये दो चांसलर हैं, डॉक्टर VN शर्मा जी हैं, और जो वाइस चांसलर है डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं। और यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट का दिया हुआ है, जैसे अभी आपने चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का दिया गया था, रजिस्ट्रार मिस्टर सोहन जी हैं। तो बाकी जो भी मेंबर हैं वो आप देख सकते हो, नॉमिनेटेड बाय स्पॉन्सर,
मिसिज एस धनराज, एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर अमिताभ जी, और स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर ए के मिश्रा जी। मेंबर तीन हैं, एस डॉक्टर एस के मिश्रा जी, एस के ठाकुर, ये सब दिए गए हैं, ए के मिश्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, ये आप देख सकते हो। मैनेजमेंट से कर दिया। अब कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज है? आर्ट, सोशल साइंस में, कॉमर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लीगल स्टडी है, डिप्लोमा या कोर्सेज है, पीजी डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या रिसर्च है, ये कोर्सेज हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हो। फिर रिसर्च, PhD में अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोसीजर क्या है, गाइडलाइंस क्या है, कोर्स वर्क, सिलेबस, असाइनमेंट, कंटेंट ऑफ थीसिस, इंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर, एफिडेविट, जर्नलिस्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल, PhD FAQ यानी कि PhD की पूरी रामायण यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। फिर प्लस नीचे आप देखते होंगे कि अगर आपको PhD से रिलेटेड कोई भी फॉर्म, बुक्स, सिलेबस, लेटर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, रिसर्च वाले कॉलम में आप देख सकते हो। तो ये था रिसर्च वाला कॉलम। अब आते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में ये मिलेगा, अगर आपको कोई भी फॉर्म, लिंक, लेटर चाहिए वो आपको मिलेगा, जैसे PhD में आपने देखा रिसर्च में डाउनलोड में। तो यहाँ पे UGPG का आपको मिल सकता है, AU एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म मिलेगा, सर्टिफिकेट फॉर्म, और ये सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट, अगर मार्कशीट गुम हो गया तो डुप्लीकेट मार्कशीट, इशू ऑफ ट्रांसपेरेंट हो गया, वेरिफिकेशन फॉर्म, सर्वे फॉर्म, असेसमेंट फॉर्म, ये किसी भी तरह से एडमिशन से लेकर लास्ट तक कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट कॉर्नर में आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ओपन की थी वो आपको दिखा देते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अपन ने ओपन किया था, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, आपसे पूछेंगे कोर्स, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट नहीं दी, सिर्फ बॉक्स दिए हैं, अगर कोई चाहे तो पता करना कौन कौन से कोर्सेज है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि होना चाहिए था लेकिन है नहीं। चलो तो ये है ऑफलाइन फॉर्म। तो वापसी आते हैं, अब है स्टूडेंट कॉर्नर में। एनरोलमेंट स्टेटस चेकआउट करना है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस पे करनी है, पे ऑनलाइन, एग्जामिनेशन के बारे में जानना है, स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म और माय टेस्ट। तो ये सब है, अब वन बाय वन देखते हैं। एनरोलमेंट स्टेटस, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो भी स्टेटस है वो देख सकते हैं, आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा तो वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो जो आपने एडमिशन लिया वो वेरीफाइड है या नहीं है। फिर नेक्स्ट है अदर फीस डिटेल। तो ये तो थी, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेना है तो ये 20 तरह के अलग अलग सर्टिफिकेट हैं अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज, तो आप फीस पे करके ले सकते हो। पे ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर है SBI का, अगर आपको कोई भी फीस पे करनी है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे कर सकते हो। पे ऑनलाइन पे कुछ नहीं दिया होगा तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। स्कॉलरशिप के बारे में ये दिया हुआ है, स्कॉलरशिप यहाँ पे प्लस टू ग्रेजुएशन रैंक के बेस पे फर्स्ट रैंक होल्डर वालों को ये है, 4,000 रैंक वालों को ये है, 100 रैंक वालों को ये है, ये सब यहाँ पे दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हो और एडमिशन लेने से पहले भी कंफर्म कर सकते हो।
उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, एडमिशन आपने ले लिया, अब मान लो आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप भर सकते हो। और फिर है प्री रजिस्ट्रेशन, ये PhD वालों के लिए है, ये क्योंकि यहाँ पे कोर्स लिस्ट नहीं दी हुई कि तो ये प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन कि एग्ज़ाम कब है, किस चीज़ का है, अब जैसे यहाँ पे पुरानी डेट शीट लगी हुई है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री में क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था स्टूडेंट कॉर्नर, आपको बताया। अब है जॉब एप्लीकेशन का, अगर आपको जॉब से रिलेटेड आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूम एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो विद रिज्यूम। यहाँ पे रिज्यूम मांगा है, लेटेस्ट क्या क्वालिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल सब आप डाल सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम है, फोटो वीडियो मीडिया इवेंट, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। एलुमिनी के बारे में आप चर्चा कर सकते हो और कॉन्टेक्ट एस जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस अगर आपको चाहिए, आप यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो ऊपर मैसेज भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और नीचे आपको ओपन करके दिखाते हैं, होम हो गया, एडमिशन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर मैगजीन ओपन करके देखें होती है तो आपको दिखाते हैं। इतने में आगे चलते हैं जी, तो ये एडमिशन प्रोसीजर, अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो टर्म एंड कंडीशन को पहले पढ़ लें, वीडियो पोस्ट करके अगर पढ़ना चाहता है तो या वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और ये है कॉन्टेक्ट अस अगर आपको चाहिए। फिर है अप्रूवल, अगर आपको अप्रूवल जाननी है, ऑर्गेनाइजेशन फिर टच विद अस स्टूडेंट को। तो ये थी नीचे होम पेज आपको दिखाया, और फिर अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है तो कोर्स के बारे में है, कोई लिंक्स है, एड्रेस है, तो ये थी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल। होप सो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे, और आपको एक कोर्स ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे एकेडमिक में कोर्सेज हमने एक भी ओपन किया, तो आपको कोर्स ओपन करके दिखा देते हैं कि क्या सा डिटेल दिखाएगा, कि फ़ी स्ट्रक्चर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। जैसे हमने करना है मास्टर करना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कोर्सेज स्पेशलाइजेशन में होते हैं, अब जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, क्या किसी को देखना तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो क्या कोर्स ऑटोमेटिक नहीं आएगा, वो आपको लिखना रहेगा। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलो तो ये थी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। और देन आज के लिए इतना ही था, अगर आप कुछ कुछ टॉपिक मिसिंग रह गए, अगर आप चाहते हो डिटेल में करना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। होम पेज में ये नोटिस सर्कुलर है या कोई भी है PhD अपडेट से रिलेटेड, ये आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।